गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? पिछली क्लास में हमने बीएससी पार्ट थर्ड में पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री की द्वितीय यूनिट स्टार्ट की थी। हमने अणुकक्षक सिद्धांत के बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की थी। अणुकक्षक सिद्धांत के अनुसार आणविक कक्षकों का निर्माण परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोग द्वारा होता है। जितने परमाणु कक्षक रेखीय संयोग में भाग लेंगे, उतने ही आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। जिनकी ऊर्जा कम होती है परमाणु कक्षकों से, उन्हें बंधी आणविक कक्षक कहेंगे, और जिनकी ऊर्जा परमाणु कक्षकों से अधिक होती है, उन्हें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। आज हम परमाणु कक्षकों की रेखीय संयोग विधि के बारे में चर्चा करेंगे। जब किसी अणु का इलेक्ट्रॉन अपने नाभिकीय ढांचे में होता है, तब किसी क्षण वह एक नाभिक के अधिक निकट होता है तथा वह अन्य नाभिक से दूर रहता है। हम बात कर रहे हैं द्वीप अणु की, बात कर रहे हैं समनाभिकीय द्विपरमाणु के अणु की बात कर रहे हैं। तो जब दो परमाणु अणु में है, तो जो इलेक्ट्रॉन है किसी क्षण जिस नाभिक के अधिक संपर्क में रहेगा, तो वह उस परमाणु कक्षक के तरंगफलन को व्यक्त करेगा, और यदि किसी क्षण वह दूसरे परमाणु कक्षक परमाणु के नाभिक के अधिक नज़दीक है, तो वह उसके तरंगफलन को व्यक्त करता है। माना कि एक समनाभिकीय AB अणु है, जिसमें परमाणु A का तरंगफलन क्या है, साई A, तथा परमाणु B का तरंगफलन साई B है। इसी प्रकार जो आणविक कक्षक है, उसका तरंगफलन क्या होगा, साई एम ओ बराबर C1 साई ए प्लस C2 साई टू। तो यहाँ पर जो C1 व C2 क्या है, मिक्सिंग कोफिशियंट्स हैं, मिश्रित गुणांक हैं। माना कि n अणु में n परमाणु कक्षक हो, तब साई एल बराबर समेशन i बराबर 1 n CI साई आई होगा। तथा जो कुल आणविक तरंगफलन है, वो जो जितने एमओज हैं उनके गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, साई वन मल्टीप्लाई साई टू साई थ्री साई एन, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक ए के अधिक निकट है, तब मिक्सिंग कोफिशियंट C1 का मान क्या होगा, 1, तथा C2 का मान 0 होगा। इसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन नाभिक B के अधिक समीप है, तो उसी स्थिति में मिक्सिंग कोफिशियंट C1 बराबर 0 होगा तथा C2 बराबर 1 होगा। और जब ये माने कि जब दोनों परमाणु समान है, तो उसी स्थिति में C1 बराबर क्या होगा, C2। तो यहाँ आप देख सकते हैं C1 स्क्वायर बराबर C2 स्क्वायर, तो C1 बराबर प्लस माइनस C2। इस प्रकार दो तरंग फलन साई ए साई बी का जो संयोग होगा, वो दो प्रकार से हो सकता है। कैसे, जब दोनों तरंग फलनों का चिन्ह समान हो, C1 बराबर क्या हो, प्लस C2, और जब दोनों तरंग फलनों का चिन्ह क्या हो, विपरीत हो, C1 बराबर माइनस C2। तो जो साई बॉन्डिंग है MO बराबर क्या होगा, साई ए प्लस साई बी। जब चिन्ह समान होते हैं तो तरंग फलनों के अतिव्यापन से बॉन्डिंग आणविक कक्षक बनते हैं, और साई जो एंटी बॉन्डिंग है मोलिकुलर ऑर्बिटल, वो साई ए माइनस साई बी होगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसका तरंग फलन साई ए, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल बी का, तो इसका तरंग फलन साई बी। जब इनमें क्या होगा, रेखीय संयोग होगा, तो इसमें क्या होगा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, वो क्या होगा, तरंग फलनों के जो समान चिन्ह होगा, उस स्थिति में संयोग से क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और इस स्थिति में एनर्जी इसकी कम हो जाती है। और जब तरंग फलनों का चिन्ह विपरीत होता है, प्लस माइनस, तो उस स्थिति में इस प्रतिकर्षण होता है, तो
तो इस स्थिति में जो एंटीबॉन्डिंग जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। अब हम बात करें जैसे जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, ये मैंने पिछली क्लास में भी बात की थी, तो इसमें जो तरंग फलन है और ये ए और बी जो परमाणु है ये एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं अंतर अनंत दूरी से, तो इसका तरंग फलन साई ए और इसका तरंग फलन क्या है, साई बी। तो साई बराबर क्या होगा, जब इनमें रेखीय संयोग होगा जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की बात करें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये इसका जो साई एमओ उसका तरंग फलन है ये। और ऐसे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस, या ये प्लस या ये माइनस, तो ये दोनों अपोजिट साइन के होंगे वेव फंक्शन साई ए साई बी। तो इस स्थिति में क्या होगा, ये एक दूसरे के पास आएंगे नहीं, तो रिपल्सन होगा, तो जो साई स्टार जो एमओ एंटी बॉन्डिंग के लिए वेव फंक्शन है साई ए माइनस साई बी। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं ये जो आरेख थे समोच्च रेखीय आरेख, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ जो पोटेंशियल एनर्जी के लिए अंतर्नाभिक की दूरी और पोटेंशियल एनर्जी में जो रिलेशन है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के लिए, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं जैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो ए है, जो ए वाला जो कर्व है वो दर्शा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन और जो दूसरे जो नाभिक है उसके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तो अट्रैक्शन से एनर्जी डाउन हो रही है। और जो बी है, बी किसको दर्शा रहा है कि जब वो पास आएंगे तो उनके नाभिक नाभिक के मध्य प्रतिकर्षण और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण को दर्शा रहा है। और जो ये मध्य वाला ग्राफ है ये इसमें जो टोटल चेंज हो रहा है उसकी बात कर रहा है, जो कुल ऊर्जा परिवर्तन। तो बॉन्डिंग में क्या होता है कि जब दो परमाणु एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो वो एक परमाणु का नाभिक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और दूसरे परमाणु का नाभिक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, जिससे एनर्जी डाउन हो जाती है, घटती जाती है। ये ई जीरो है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन अतिव्यापन कंप्लीट हो जाएगा, और ये साम्य अवस्था दूरी है। इससे और अधिक नज़दीक लाने पर इसमें क्या होगा, ऊर्जा लगातार बढ़ती है। तो ये इसमें बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज हो रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब जैसे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में क्या होगा, ये क्या है, अपोजिट साइन के हैं तो इनमें अट्रैक्शन तो होगा नहीं, तो क्या होगा, ये एनर्जी ये बढ़ रही है इसकी, और इसकी एनर्जी ये है, तो अट्रैक्शन वाला बात होती नहीं है एंटी बॉन्डिंग में। इसमें क्या होता है, जो प्रतिकर्षण जो होता है, जो प्रतिकर्षण ऊर्जा वो ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन अट्रैक्शन, तो इस स्थिति में ये पास आते ही नहीं है और ऊर्जा लगातार बढ़ती रहती है। और जो ये एवरेज जो है टोटल एनर्जी चेंज, देखो ये मध्य में ये आ रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊर्जा कभी घटती ही नहीं है, तो स्टेबिलिटी नहीं आती। तो एंटी बॉन्डिंग जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है उनकी ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल से अधिक होती है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये मैंने बात की जो अणु का एमओटी के लिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो रेखीय संयोग होता है उसकी एलएसीओ मेथड की मैंने बात की है। धन्यवाद।